गाइस पीछे जो आप देख रहे हो यही बस आपको आएगी स्वयं शंभुनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। ये जो पीछे बस दिख रही है यहीं पर आपको उतारेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बस और पीछे माउंटेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको वहीं मेन रोड से आपको बसेस मिलेंगी जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेके आएगी। इसका फेयर तकरीबन 50 रुपीज़ to 40 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं और यहाँ पर आप आ सकते हैं 40 रुपीज़ पे करके। तो आइए चलते हैं स्वयं शंभुनाथ टेम्पल। स्वयंभूनाथ टेम्पल को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। काफी सारे मंकीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। टेम्पल में आने के लिए दो रास्ते हैं। आप चाहे तो बाय कार भी आ सकते हैं या तो फिर आप स्टेप से भी आ सकते हैं। दोनों ऑप्शंस है आपके पास में। डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो सिटी से तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है स्वयं शंभुनाथ टेम्पल। स्वयंभूनाथ टेम्पल तकरीबन 2000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर को यहाँ के राजा प्रताप मल्ला ने बनवाया था। स्वयंभू यानी सेल्फ एग्जिस्टेंस। इस टेम्पल की उत्पत्ति यानी ओरिजिन लोटस के बीच से हुई है, इसीलिए इसका जो शेप है वो लोटस की तरह है। गाइस पूरे नेपाल का यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आता है स्वयंभू टेम्पल से। तो आप ज़रूर इस जगह को विज़िट करें, मस्ट विज़िट प्लेस है। पूरे नेपाल का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू पीछे आप देख सकते हैं। इस टेम्पल में आपको 50 रुपीस की टिकट लेनी होती है। वैसे तो नेपालियों के लिए फ्री है, फॉरेनर्स के लिए 50 रुपीस चार्ज करते हैं, 50 रुपीस नेपाली करेंसी में। हिल पे होने के कारण आपको सीढ़ियां चढ़नी होती है। स्टेप्स की अगर बात करें तो 365 स्टेप्स आपको चढ़नी होगी, लेकिन 365 स्टेप्स चढ़ने के बाद जो आप व्यू देखोगे पूरे सिटी का, तो आप काफी एंजॉय करोगे और बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है। स्वयंभूनाथ टेम्पल के दर्शन करने के बाद एग्जैक्टली ऑपोजिट में आपको बसेस मिलेंगी सिटी जाने के लिए। ये जो बसेस लगी हुई है यही बसेस आपको सिटी में वापस लेकर के जाएंगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे
हमने कैसे काठमांडू दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर किया, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।